आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। दुमका एवं बेरमो की जीत पर प्रखंड झामुमो और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। झारखंड में हुए दो विधानसभा उपचुनाव बेरमो व दुमका में महागठबंधन प्रत्याशी की जीत पर झामुमो खलारी ने हर्ष व्यक्त किया है और दोनों नव निर्वाचित विधायकों को बधाई भी दी है, जिसमें दोनों जगह से महागठबंधन के प्रत्याशी बेरमो से अनुप सिंह व दुमका से बसंत सोरेन ने जीत दर्ज की है। इसी जीत के साथ ये भी साबित हो गई कि मौजूदा माननीय हेमंत सोरेन की सरकार विकट परिस्थिति व सीमित संसाधनों में भी जनता के हित में कार्य किए हैं, जिसका फल दोनों विधानसभा के मतदाताओं ने अपना मत देकर झारखंड सरकार को सुर मजबूती प्रदान की है। शुभकामनाएं देते हैं बधाई देने में प्रखंड अध्यक्ष अनिल पासवान, सचिव राजेश गोप, पूर्व केंद्रीय सदस्य राजकिशोर पासवान के साथ अन्य लोग शामिल थे। आज जो महागठबंधन का जीत है, ये साबित करता है कि जो साल भर का जो हेमंत सोरेन का जो कार्यकाल है, उससे जनता लोग पूरा प्रभावित हैं और बहुत खुश हैं, और इससे पता चल रहा है कि इनका कार्य करने का शैली बहुत ही सुंदर है और आगे भी रहेगा। इसलिए आज दोनों सीट पर हमारा प्रत्याशी विजय हुए हैं। आज का दोनों जीत, दोनों उपचुनाव दुमका और बेरमो का जीत, ये साबित कर दिया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य में बहुत ही बेहतर तरीके से सरकार काम कर रही है, और ये जीत पूरे झारखंड वासियों की है और आगे भी ये जीत कायम रहेगी। मैं सबसे पहले आज झारखंड में दो सीटों पे उपचुनाव हुआ, उस चुनाव में जो प्रत्याशी विजय हुए हैं, जेएमएम के प्रत्याशी महागठबंधन दल के नेता बसंत सोरेन जी को बधाई देता हूँ। अनूप सिंह जी जो चुनाव जीते हैं बेरमो विधानसभा से, मैं उन्हें भी बधाई देता हूँ। और मैं पूरे झारखंड महागठबंधन के तरफ से सभी कार्यकर्ता को भी बधाई देता हूँ। और आज दो सीट पे जो चुनाव का रिजल्ट महागठबंधन का पक्ष में आया, इसे साफ दर्शाता है कि लोगों ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर लोगों ने विश्वास किया और विश्वास बरकरार है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस विश्वास के साथ अनूप सिंह जी को और बसंत सोरेन जी को बहुमूल्य वोटों से जो जिताया है, जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ उसी उम्मीद से अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे।